नमस्कार, सत श्री अकाल, कैसे हो आप सब। आज हम मुरवई बीच में जा रहे हैं और हर्ष क्राइसलर से आई हुई है, आज वो ड्राइव कर रही है और अचानक आई और फिर बन गया प्रोग्राम और निकल पड़े हम। रास्ते का नज़ारा लीजिए और हम बीच के पास पहुंच गए हैं और लाइट सा म्यूज़िक चल रहा है, आप भी एंजॉय कीजिए और जैसे हम वहां पहुंचते हैं आपको फिर अपडेट देते हैं। हम अब मुरवई बीच पहुंच चुके हैं और ये देखिए क्लोज़अप का जवाब नहीं। ये एक केप बनी हुई है, इस केप के अंदर थोड़ा सा जाएंगे और शाम को जब धीरे धीरे और हाई टाइड हो जाएगी तो ये सारा पानी, ये बिल्कुल केप पानी से भर जाती है इस टाइम। हेलो आवाज़, देखिए अब पानी आना शुरू हो गया धीरे धीरे करके हाई टाइम। अच्छे से इसको मेंटेन किया हुआ है।
ऊपर चोटी पे बैठ जाओ। मेडिटेशन के लिए ये जगह बहुत अच्छी है, एकांत में। ये देखिए नज़ारा, ये चारों तरफ ये पहाड़ी है, ग्रीनरी है, और दूसरी तरफ ये देखिए मेरे दूर दूर तक, जैसे किसी ने चांदी बिखेर रखी हो, दूर से ऐसा लग रहा है। ये देखिए वेदर, आज फोरकास्ट क्लाउडी था, इसीलिए आज ज़्यादा टूरिस्ट नज़र नहीं आ रहे हैं, अदरवाइज ये टूरिस्ट से ये जगह भरी होती है। बारिश हो जाएगी लेकिन थोड़ा सा सूर्य देवता ने अपने ये देखिए इन्होंने सारा इसको ड्राफ्ट किया हुआ है मैप की, वो जो रोक आपको दिख रहा है सी के अंदर, दैट इज़ वो वोल्केनो था। ये देखिए इन्होंने कि ये वोल्केनो को भी रख दिया हुआ है। ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है इसमें वो तो मैंने आपको पहले नहीं बताया, आपको लेके जाऊंगा। यहाँ लोग फिशिंग करते हैं उस प्लेस पे, तो फिशिंग स्पॉट पे हम जा रहे हैं, यहाँ पे लोग